सिर्फ एनसीईआरटी अगर पढ़ के जाओगे तो मैं पहले ही बोल देता हूँ कि आप बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो। 30 नंबर लाना भी भारी पड़ सकता है। 30 नंबर 30 मार्क्स आउट ऑफ क्वेश्चन में नहीं आएगा। और ये देखो, ये थ्योरी सब्जेक्ट नहीं है कि तुमने कुछ बना के लिख दिया, कुछ ऐसे लिख दिया, चलो टीचर सोचेगा चलो कोई नहीं इसने कुछ तो लिखा, चलो आधा नंबर दे दो, इसमें एक नंबर दे दो। मैथ्स में बच्चे फेल हो जाते, कंपार्टमेंट आ जाती क्लास 12 के मैथ्स में। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। बहुत कम टाइम बचा है और कुछ बच्चे अपनी एनसीईआरटी लगाने में लगे हुए, रिवाइज कर रहे हैं, और स्पेशली क्लास 12 के। सिर्फ एनसीईआरटी अगर पढ़ के जाओगे तो मैं पहले ही बोल देता हूँ कि आप बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो। पेपर अगर एवरेज भी आएगा तो वो आपको हार्ड ही लगेगा, ठीक है। अब आप उसमें फेल होगे, पास होगे, वो बात की बात है। अब मैं तो वैसे यही करूँ कि आप अच्छे से पढ़ाई करें और अच्छे नंबर लाएँ, ठीक है। तो अब बात करते हैं थोड़ा सा क्यों ऐसा होता है कि हम एनसीईआरटी सिर्फ पढ़ के जाते हैं तो हमारा पेपर उतना अच्छा नहीं हो पाता है, चाहे पेपर सिंपली क्यों ना आ जाए। देखो, क्लास 10th की अगर मैं बात करूँ तो क्लास 10th में पेपर में जब आप एनसीईआरटी करके जाते हो तो इतना तो कर लेते हो कि फेल होने के चांसेस कम होते हो। फेल तो वैसे ही पता है कि आप पास 10th क्लास में तो हो ही जाते हो यार, ठीक है। कितना भी कम आता हो, ठीक ठाक अगर आपने पढ़ाई कर ली तो फेल की नौबत तो नहीं आती। लेकिन यहाँ पे बात फेल की सिर्फ नहीं है, आप सिर्फ बॉर्डर लाइन पे हो। आप तो अच्छा स्कोर चाहते हो, लेकिन क्या आप एक बताओ, जब जो भी बच्चा भी वीडियो देख रहा है, क्या वो ये सोच के वीडियो देखने आया कि अब मैं फेल हो जाऊं? वो यही सोच के आया कि यार मैं ठीक ठाक स्कोर कर जाऊं, कितनी भी बेकार पढ़ाई चल रही है, बात तो यही है ना। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि एनसीईआरटी पढ़ने के बाद नंबर अच्छे क्यों नहीं आते, या ये फेल जो कैटेगरी है वो क्यों उसमें हम चले जाते हैं। उसका रीजन ये है, जब हम सिर्फ एनसीईआरटी करते हैं, ठीक है, तो एनसीईआरटी में बहुत लिमिटेड क्वेश्चंस होते हैं, स्पेशली क्लास 10th में एनसीईआरटी में बहुत लिमिटेड क्वेश्चंस होते हैं। लिमिटेड क्वेश्चंस होने की वजह से होता क्या है कि हमारा कॉन्सेप्ट बिल्ड नहीं हो पाता है। अब यार तुमने देखा होगा, एक टाइप का सिर्फ एक ही क्वेश्चन होता है, ठीक है, या दो होंगे मैक्सिमम, और एक दो क्वेश्चन से हमारे कॉन्सेप्ट में अप्रोच नहीं बनती है, जिस वजह से एनसीईआरटी से आता हुआ क्वेश्चन भी हमें लगता है टफ आ गया है और हम पेपर में अटेम्प्ट नहीं कर पाते और हम बिल्कुल बस पास ही हो पाते हैं जस्ट, ठीक है। तो आपको क्लास 10th में एनसीईआरटी से अलग हटके भी हमें एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करनी चाहिए, जो कि मैं कह सकता हूँ PYQs, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको मिनिमम करने चाहिए अगर आपको एक अच्छा स्कोर करना है। क्लास 12 की अगर मैं बात करूँ तो क्लास 12 में एनसीईआरटी में नो डाउट बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, और एनसीईआरटी को करना भी एक अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज होता है। मैं मैथ्स की बात कर रहा हूँ, ठीक है, एनसीईआरटी करना भी एक अपने आप में चैलेंज होता है। लेकिन अगर आप सिर्फ एनसीईआरटी करके जाओगे तो आप ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो। अब मैं आपको एक बता दूं बात कि सिर्फ एनसीईआरटी करके जाओगे तो कितना स्कोर कर सकते हो मैक्सिमम। देखो, अगर सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ के जाओगे, अगर एनसीईआरटी बेस ही पूरा पेपर आया है तो भी अगर कुछ क्वेश्चन तो ट्रिकी आएंगे, तो आप 60% तक उम्मीद कर सकते हो कि भाई तुम एनसीईआरटी पढ़ के इधर तक स्कोर कर सकते हो, जब पेपर बहुत सिंपल और एवरेज के बीच में ही है। अगर थोड़ा सा भी हार्ड कर दिया तो मैं सही बता रहा हूं, तो मैं 30 नंबर लाना भी भारी पड़ सकता है। 30 नंबर 30 मार्क्स आउट ऑफ 80 की बात कर रहा हूं, 30 नंबर भी भारी पड़ सकता है अगर पेपर थोड़ा हार्ड पहुंच गया या एवरेज से थोड़ा ऊपर चला गया, क्योंकि मैथ्स प्रैक्टिस मांगता है और तुम्हें पता है थोड़ा सा क्वेश्चन ट्विस्टेड फॉर्म में कर दिया तुम घूम जाओगे, हर चैप्टर में थोड़ा थोड़ा घुमा दिया तो तुम्हें कोई क्वेश्चन में नहीं आएगा। और ये देखो, ये थ्योरी सब्जेक्ट नहीं है कि तुमने कुछ बना के लिख दिया, कुछ ऐसे लिख दिया, चलो टीचर सोचेगा चलो कोई नहीं इसने कुछ तो लिखा, चलो आधा नंबर दे दो, इसमें एक नंबर दे दो। मैथ्स में बच्चे फेल हो जाते, कंपार्टमेंट आ जाती क्लास 12 के मैथ्स में। मैं बता रहा हूँ, आप देखना क्लास 12 के मैथ्स के पेपर में बहुत सारी कंपार्टमेंट आती है। लास्ट ईयर भी बहुत बच्चों की कंपार्टमेंट आई थी, बाद में मैसेज कर रहे थे कि सर हमने एनसीईआरटी करके नहीं गए, हम ऐसा करके नहीं गए। तो एक तो अगर तुमने एनसीईआरटी नहीं करी, अभी तक भी अच्छे से नहीं करी, तो मैं चैनल की लिंक दे रहा हूँ, मैंने क्लास 12 की न्यू एनसीईआरटी की पूरी एनसीईआरटी करवा रखी है, तो भैया और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी चल रहे हैं चैनल पे, उस चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ, जरूर कर लो भाई, PYQ जरूर कर लेना तुम भी। तो इतना स्कोर मैक्सिमम जा सकता है और मिनिमम तुम्हारे 30 भी हो सकते हैं, ठीक है। तो भाई क्या करें, तो सिंपल सी बात है कि आप एनसीईआरटी तो करें, साथ के साथ एनसीईआरटी के एग्जाम्पल जरूर लगाएं। कई बार ये बहुत छोटी सी बात होती है और बच्चे ध्यान नहीं देते हैं, एग्जाम्पल नहीं करते हैं। 12th वाले बच्चे ध्यान से सुन लो, एग्जाम्पल जरूर करने हैं, जरूर करने हैं। और आपको क्या करना है, आप क्लास 10th वाले एग्जाम्पल ना भी करें तो चलेगा, आप अगर एग्जाम्पल नहीं भी कर रहे कोई बात नहीं, एनसीईआरटी के आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करें। अब बात करता हूं कि भाई कहां से डाउनलोड करना है, तो मैं फ्री ऑफ कॉस्ट में सारी चीज बता देता हूं। क्या अगर आप क्लास 10th में हो तो ऐप डाउनलोड कर लेना, वहां पर आपको फ्री स्टडी मटेरियल पर जाना है, अपनी क्लास 10th की कैटेगरी चूज करना,
प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी अवेलेबल है, ठीक है। ये देखो फोल्डर है, इसमें चाहे आपका बेसिक हो चाहे स्टैंडर्ड, दोनों बच्चों के लिए पीडीएफ अवेलेबल है, हर क्वेश्चन का वीडियो सॉल्यूशन भी अवेलेबल है। इतनी सारी चीज फ्री में आपको मिल रही है। अगर आपने इसका यूज नहीं करा तो यार फिर कैसे आप कर पाओगे? तो सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ के जाओगे, अच्छा स्कोर नहीं कर पाओगे। टेंथ में हो तो पास हो जाओगे, लेकिन ठीक है पास ही होगे जस्ट, तो वो भी तो आपको अच्छा ही लगे, वो भी फेल ही आप मानोगे अपने आपको, यार कितने कम नंबर आ गए। तो भाई मेहनत करो। ट्वेल्थ वाले बच्चे क्या करें? ट्वेल्थ वालों के लिए मैंने एक काम किया है, फ्री स्टडी मटेरियल पे जाना अपनी कैटेगरी चूज करने के बाद। यहां पे मैंने एक सीबीएसई का सैंपल पेपर अपलोड करा है, जो सीबीएसई ने अपलोड करा है, उसको सॉल्व करो। आज यही काम करो, अगर तुमने अभी तक सॉल्व नहीं करा है, सॉल्व करके देखो तुम्हारे कितने नंबर आ रहे हैं उसमें, ठीक है। एक आइडिया लगेगा कि तुमने अभी एनसीईआरटी पढ़ ली है, अब तुम्हारा कितना स्कोर हो रहा है, और इसमें भी वीडियो सॉल्यूशन अवेलेबल है, जाके चेक करो, अपने आप को एनालाइज करो कितना स्कोर हो रहा है, ठीक है। और तुम भी क्लास टेंथ वालों, तुम्हारे लिए भी सीबीएसई सैंपल पेपर मैंने अपलोड कर रखा है, बेसिक स्टैंडर्ड दोनों, और वीडियो सॉल्यूशन अवेलेबल है, जाके देखो इतना बढ़िया तुम्हारे लिए कर दिया है। अगर तुम अपने आप को एनालाइज नहीं करोगे तो कैसे करोगे? समझ में आई बात? तो मैं कंक्लूजन कर दे रहा हूं कि क्लास ट्वेल्थ वाले बच्चे हो तो तुमको एनसीईआरटी के एग्जाम्पल जरूर लगाने, गलती से भी मिस मत करना, बहुत क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। और सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ के जाओगे, तुम्हारी अप्रोच ज्यादा नहीं बनेगी, आपको एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करनी है। क्लास टेंथ वालों को एग्जाम्पल नहीं भी करेंगे चलेगा, एनसीईआरटी के एक्सरसाइज कर ले, साथ के साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कंपलसरी हैं। वैसे दोनों क्लास के लिए पीवाईक्यू कंपलसरी है, दोनों को ही करनी है, लेकिन स्पेशली क्लास टेंथ वाले बच्चे एग्जाम्पल छोड़ सकते हैं, क्योंकि वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में कवर हो जाते हैं। बात समझ में आई? एनसीईआरटी से बहुत बार ऐसा देखा गया बच्चों की कंपार्टमेंट आई है, स्पेशली क्लास ट्वेल्थ में कंपार्टमेंट आ जाती है, दोबारा पेपर देना पड़ेगा आपको, समझ रहे हो। तो यार प्लीज अगर आप थोड़ी सी अगर अभी मेहनत कर लोगे, ठीक है, अपने ऊपर काम कर लोगे, तो कंपार्टमेंट से तो बच जाओगे, ठीक, कंपार्टमेंट से तो बच जाओगे, एक डिसेंट सा स्कोर भी कर सकते हो अगर आपने अभी तक एनसीईआरटी नहीं करी है। तो क्या फिर बात आती है, कई बार बच्चे बोलते हैं सर कि एनसीईआरटी छोड़ दे, पीवाईक्यू कर ले सीधा। नहीं, एनसीईआरटी हमारा बेस होता है, उसको तो आपको पहले खत्म करना है, उसके बाद में ही कुछ दूसरा सोचना है, समझ रहे हो। तो एनसीईआरटी पहले करो, अगर नहीं करी पहले उसको रिवाइज करो, सब कुछ करो, ठीक है, उसके बाद में ही कुछ सोचो और एक्स्ट्रा। इस तरीके से चलोगे तो आप फेल भी नहीं होगे और आपके अच्छा नंबर आ जाएगा। मैंने देखा लास्ट ईयर जब बच्चे मैसेज करते हैं, सर देखो मेरा ये पेपर था, सर देखो क्वेश्चन कहाँ से आ गया, फिर मैं उनको बताता हूँ, अरे भैया ये तो एग्जाम्पल का था क्वेश्चन, तो एग्जाम्पल जरूर करो, तो आप एक अच्छा स्कोर कर पाओगे, इस बात को ध्यान रखना, ठीक है, पक्का ध्यान रखोगे इस बात को, और पी वाई क्यू सॉल्व कर लेना। कितने बच्चे बोर्ड एग्जाम में फोड़ने वाले? कमेंट सेक्शन में सारे बच्चे लिख देना बोर्ड एग्जाम में फोड़ देंगे, ठीक है। मैं पूरी हेल्प करता रहूंगा और आपको बीच बीच में बताता रहूंगा कैसे क्या चीजें करनी है, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें। लास्ट में एक ही बात बोलूंगा कि आप सभी सफल हो। धन्यवाद।